बातचीत होती है, क्या माना जाए अमलेंदु उपाध्याय जी? देखिए राजीव जी, एक बात तो निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के संकट इस समय गहरा है और कि नरेंद्र मोदी जो है अपने बुने चक्रव्यूह में जो है वो फंस चुके हैं तरीके से, क्योंकि जो उनके चाणक्य समझे जाते हैं और वही असल में सब जगह उनके क्रियाकलाप सब करते हैं संचालित, प्रधानमंत्री कहीं करते नहीं है, ऑपरेशन लोटस चलाना हो या कोई सा भी ऑपरेशन चलाना हो चलाते हैं अमित शाह जी सब मिला करके। तो जो वो ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते थे बिहार में और बिहार में एकनाथ शिंदे तैयार करना चाहते थे, तो वो दांव जो है उल्टा पड़ गया है। वो दांव ऐसा पड़ा है कि जो एक कहावत है कि सांप छछूंदर वाली स्थिति, तो छछूंदर जो है वो सांप के गले में फंस गई लगती है इस समय को मिलाकर के जो परिस्थिति दिख रही है। तो ये स्थिति तो बनती हुई साफ तौर पर अब दिख रही है, कल को क्या हुआ कुछ नहीं जा सकता, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उस समय साफ समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पसीना जो है वो छूटा हुआ है इस समय निश्चित तौर पर। चूंकि जैसा स्वामी जी ने भी कहा कि भाई लड़ाई जो है वो हिंदी बेल्ट में ही होनी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की अधिकांश सीटें जो हैं वो हिंदी बेल्ट में ही हैं और हिंदी बेल्ट से अलग अगर गुजरात में कुछ मान ली जाए या मान लिया जाए वहाँ भी उनकी अच्छी सीटें हैं, तो गुजरात और कर्नाटक दोनों जगह जो है भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होने जा रहा है निश्चित तौर पर। इसमें कोई दो राय ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए के अंदर है और ना उसके लिए कोई बाहर है। कर्नाटक में तो स्वयं वहां के मंत्री का बयान जो है वो बहुत वायरल हुआ कि हम तो सरकार किसी तरीके से खींच रहे हैं चला नहीं रहे हैं, और उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी उसकी तायीद की कि उन्होंने मंत्री ने दूसरे संदर्भ में कहा था, अब किसी भी संदर्भ में कहा था लेकिन ये कहा था कि हम सरकार चला नहीं पा रहे हैं सरकार किसी तरीके से खींच रहे हैं, कुल मिला के बात यह है। तो यानी वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव हो कब हम सत्ता से बाहर जाएं और नमस्ते करें अगर गले जो सरकार हमारे आके पड़ गई है कुल मिला के कर्नाटक में वहाँ स्थिति है। तो जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डामाडोल है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहाँ से इनको बहुत सीटें आई हैं, और छत्तीसगढ़ में अधिकांश सीटें इनके पास हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अधिकांश सीटें इनके पास हैं, वहाँ भी इनको जबरदस्त नुकसान हुआ है। केवल अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम नुकसान इनको होगा और वो नुकसान की भरपाई ये किसी ना किसी तरीके से कर लेंगे पिछले दरवाजे से कुल मिलाकर के। बाकी बिहार में जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, झारखंड में नुकसान होने जा रहा है, तो ये सारे नुकसान की भरपाई आखिर ये करेंगे कहाँ से? अब चाहे दक्षिण भागिए और ज़्यादा दक्षिण भागेंगे तो फिर जाके आप प्रशांत महासागर में गिर जाएंगे, तो स्थिति ये हो जाएगी। तो अब जो कुल मिला के बात शुरू की थी प्रेम कुमार जी ने रोटी से और स्वामी जी ने ख़त्म किया करके महाभारत पे, तो अब ये रोटी का महाभारत हुआ है राजीव जी, तो ये रोटी का महाभारत बड़ा गजब है और रोटी जो है वो बड़ी भयंकर साबित होने वाली है मोदी सरकार के लिए, चूंकि रोटी बहुत महंगी हो गई है। 18 जुलाई के बाद जो है 10 किलो के आटे में 75 रुपए बढ़ गए हैं, तो ये रोटी जो है ये बड़ी महंगी साबित होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। इनका पूरा जो है वो ध्यान इसी पे है कि किसी तरीके से जनता का ध्यान जो है वो रोटी से हटाया जाए, लेकिन रोटी के साथ समस्या एक है कि अगर रोटी जो उल्टी और पलटी नहीं जाए तो रोटी फिर जल जाती है, तो इसलिए रोटी का पलटना बहुत ज़्यादा जरूरी है वरना रोटी जल जाएगी। तो रोटी पलटी के लिए कौन, जनता ही रोटी पलटेगी रोटी को बचाने के लिए चूंकि उसे रोटी खानी है। तो ये महाभारत जो रोटी पलटने और रटने का हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरी मुसीबत तैयार हो गई है। तीसरी एक बात और है कि नीतीश कुमार भले प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है और कह भी नहीं रहे कि मैं दावेदार हूँ, और अगर होते भी हम मान भी लें कि वो दावेदार भी हैं, अगर ये मान भी लिया जाए भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोजेक्ट करती है कि नीतीश कुमार भी दावेदार हैं और अरविंद केजरीवाल भी दावेदार हैं, मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल भी दावेदार हैं तो ठीक है सबको दावेदार होने दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक पॉइंट जो है उस पर आकर के मोदी जी फिर नीतीश कुमार के सामने अगर नीतीश कुमार कैंडिडेट है तो फंस जाएंगे, जिसकी तरफ स्वामी जी ने इशारा किया था। वो ये कि नीतीश कुमार जो है वो कुर्मी और पटेल बिरादरी से आते हैं और कुर्मी और पटेलों की आबादी जो है यादव तो जो है वो यूपी और बिहार तक सीमित आप समझ लीजिए एक तरीके से, थोड़े बहुत आंध्रा में मिल जाएंगे आपको, थोड़े थोड़े और जगहों पर मिल जाएंगे, लेकिन कुर्मी और पटेल जो है ये आपको पूरे देश में मिलेंगे। सबसे बड़ी मैं समझ सकता हूँ ओबीसी जाति एक तरीके से हो जाएगी अगर ये सब एकजुट हो जाते हैं, तो नीतीश के ऊपर इस तरीके से प्रहार करना जो है जिस तरीके से और ओबीसी नेताओं के ऊपर प्रहार किया करती है भारतीय जनता पार्टी, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन जाएगा एक तरीके से, क्योंकि मोदी जी तो फर्जी ओबीसी हैं, ओबीसी तो है नहीं मोदी जी, वो तो जबरदस्ती ओबीसी बने हुए हैं, उन्होंने अपनी जब मुख्यमंत्री थे अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया, तो एक तरीके से ओबीसी का हक जो है वो मोदी जी ने गुजरात में मारा,
तो मोदी जी जो है वो ओबीसी बनकर के आते हैं लेकिन नकली ओबीसी हैं, और सारे काम जो कर रहे हैं, सारे उनके क्रियाकलाप जो हैं वो ओबीसी का आरक्षण छीनने के, दलितों का आरक्षण छीनने के, सामाजिक न्याय पर कुल्हाड़ी चलाने के, मनुस्मृति लागू करने के, ब्राह्मणवाद जो है जिस तरीके से है उसको स्थापित करने के, वो सारे काम कुल मिलाकर के कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के ऊपर मोदी जी का कोई भी हमला जो है वो बूमरैंग जो है साबित होगा, अगर मोदी जी ये मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार कैंडिडेट हैं। हालांकि मैं भी नहीं मानना हूँ कि नीतीश कुमार कैंडिडेट हैं अभी, ना अभी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो कैंडिडेट है, ना राहुल गांधी ने भी कहा कि कैंडिडेट है या किसी और ने कहा। अभी तक सिर्फ दो कैंडिडेट सामने आए हैं, बल्कि एक तीन आप समझ सकते हैं जो कह रहे हैं कि हम भी कैंडिडेट हैं। एक अरविंद केजरीवाल जो बता रहे हैं कि वो बिना किसी लोकसभा सांसद के मोदी देंगे, एक तो वो बड़े कैंडिडेट हैं जो कि मोदी जी ने तैयार किए हैं, दूसरे भी मोदी जी के तैयार की हुई है वो है ममता बनर्जी जो 2014 से कैंडिडेट है मुख्यमंत्री पद की। 2014 में भी अन्ना हजारे आए थे उनका यहाँ सब क्रियाकर्म करवाने के लिए, और उसके बाद जो था वो एक पत्रकार थे जो उनका सब यहाँ काम धाम संभाल रहे थे, तो फिर उनके ऊपर आरोप लगा के चले गए अन्ना जी कि मेरे साथ बेईमानी की गई कुल मिलाकर के। 2019 में भी इसी तरह की बातें हुई। तो अब ये जो है कैंडिडेट जो घोषित जो हैं अभी तक दो हैं, केजरीवाल और ममता, जो दोनों जो है एक तरीके से मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयार किए गए तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये उनके कैंडिडेट हैं। तो विपक्ष जो है जो वास्तव में मोदी जी से लगेगा या भारतीय जनता पार्टी से लगेगा उसका कोई चेहरा मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान नहीं होगा, और होगा तो अपने अपने राज्यों में सब होंगे प्रधानमंत्री पद के दावेदार। नीतीश होंगे दावेदार निश्चित तौर पर बिहार में, यूपी में भी होंगे नीतीश प्रधानमंत्री पद के दावेदार, राहुल गांधी होंगे केरल में दावेदार, राहुल गांधी होंगे मध्य प्रदेश में दावेदार, होंगे राजस्थान में दावेदार, होंगे कई जगह पर होंगे, और लोग भी होंगे तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार सब होंगे, और यही अच्छी चीज़ होगी, और राजनीति में यही अच्छी चीज़ होती है। चूंकि कोई संवैधानिक पद जो है वो प्रक्रिया नहीं है कि प्रधानमंत्री पद को का दावेदार आप घोषित कीजिए। हमारे यहाँ जो है अमेरिकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू नहीं है जो मोदी जी चाहते किसी तरीके से लागू हो जाए, तो वो नहीं होनी है। इसलिए जो है जो भी चुनाव होगा वो 2024 के बाद जो है जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद तय होगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से ज़्यादा जरूरी जो है कौन बनेगा वो बात की चीज़ है, ज़्यादा जरूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सरकार से बाहर हो। तो जो विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है उसका भी एजेंडा यही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो, प्रधानमंत्री कौन हो ये उस विपक्ष का भी एजेंडा निश्चित तौर पर नहीं है जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है। एजेंडा सिर्फ उनका ही, उन्हीं लोगों का है जो चाहते हैं कि मोदी जी बने रहे, उनका ही एजेंडा है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल, प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो 2004 में भी कोई नहीं था। आप याद कीजिए जब यूपीए की सरकार बनी थी और जब जीत करके कांग्रेस लीड, कांग्रेस नीत जो यूपी आई 2004 में, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को मात खानी पड़ी थी, उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, और नाम उस समय सोनिया गांधी